दोस्तों प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल जो रियल स्टेट ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम करता है और रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने का काम करता है, मैं आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं हूं राजवंत सिंह मोहाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर एंड मोटिवेशन स्पीकर। आज का जो टॉपिक है जॉब को लेके है, यूथ को लेके है। यूथ को लेके मैंने लिखा है विच जॉब इज बेटर फॉर यूथ, जो नौजवान हैं उनके लिए कौन सी जॉब बेटर है। अपने तजर्बे के हिसाब से मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी जॉब बेटर है, आपने कौन सी जॉब को प्रेफर करना है, चाहे उसमें इनिशियल स्टेज में आपको सैलरी कम ही मिलती हो लेकिन आपका फ्यूचर बहुत बढ़िया हो, ऐसी जॉब को आपने प्रेफर करना है। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी वाई मॉब आफ्टर जॉब, कि सारी दुनिया सारी भीड़ जॉब के पीछे ही क्यों है। ये मैं अपनी किताब नॉट मैड सो बैड में बता चुका हूँ कि हमारी जो पालन पोषण है, हमारा जो पालन पोषण है वो इस तरीके से करा जा रहा है, हमारे दिमाग में इस तरीके से बातें फिट की जा रही हैं कि हम एम्प्लाई ही बनना है, हमने जॉब ही करनी है। जब भी बच्चा पैदा होता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये बड़ा हो और बड़ा हो के अच्छे नंबर ले, इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो, लेकिन करे जॉब। कभी उसको ये नहीं कहा जाता कि ये जॉब ना करे, ये जॉब पैदा करे, ये कभी नहीं समझाया जाता। नॉर्मल फैमिली में तो यही है कि आप सुपर फाइन, आप टॉप के स्टूडेंट हो और टॉप के स्टूडेंट में टॉप पोजीशन लो और टॉप पोजीशन लेने के बाद नौकरी करो, जॉब करो और उसके बाद सेट हो जाओ। क्या सचमुच जॉब लेने के बाद आदमी सेट हो जाता है? यदि जॉब लेने के बाद आदमी सेट हो जाता हो तो फिर ये पे हाइक के लिए हम स्ट्राइक करते बंदों को रोज़ देखते हैं। टीचर्स पानी की टंकी ऊपर चढ़े हुए हम रोज़ देखते हैं, सड़कें जाम करी हुई रोज़ देखते हैं। तो क्या जॉब लेने के बाद आदमी वाकई सेट हो जाता है? नहीं। दूर के डोल सुहावने ये कहा जाता है, दूर से तो बहुत अच्छा लगता है, दूसरे की थाली में लड्डू बड़ा ही लगता है, जैसा मर्जी हो अच्छा ही लगेगा कि ये आदमी को काम कर रहा है। भाई जिस आदमी के पास जॉब है और उसको करते को 20 साल हो गए, आप उसके पास जाओ, उसके पास जाके उसके दुखड़े सुनो, वो क्या कहेगा आपको? फिर जब आपको नहीं मिली तो ठीक है, लुभावना लगता है। क्यों लुभावना लगता है? क्योंकि हमारा पालन पोषण इस तरीके से किया जाता है, हमारे दिमाग में इस तरीके से बिठा दिया जाता है कि आपका जॉब के बिना गुजारा नहीं है। और फिर ये जो है गुजारा नहीं है तो फिर नौकरी करके भी गुजारा नहीं है। नौकरी में, जॉब में हम पैसे के लिए सारी उम्र काम करते हैं। जो आदमी पैसे के लिए काम करता है वो कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता, कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं ले सकता। कौन ले सकता है? जिस आदमी के लिए पैसा काम करता है। जो आदमी अपने दो हाथों के बजाय 20 हाथों से काम लेना शुरू कर देता है, अपना मतलब अपने आगे बंदे जोड़ के काम करता है, जैसे हम भी हैं, रियल स्टेट वाले भी हैं, हमारे लिए 20-20, 30-30 बंदे काम करते हैं, तो हमें काम का रिजल्ट उनसे ज़्यादा मिलता है जो आदमी सिर्फ अपने लिए काम करता है और अपने लिए या पैसे के लिए काम करता है। तो यदि आप जॉब करना भी चाहते हो, आपका जॉब के बिना गुजारा नहीं, आप ये कहोगे कि इनिशियल स्टेज पे तो हम बिजनेस नहीं कर सकते, कोई और काम नहीं कर सकते क्योंकि पैसा नहीं है, जॉब करनी भी है तो फिर आपने कौन सी जॉब करनी है, ये टॉपिक मेरा आज। विच जॉब इज बेटर फॉर यूथ, कौन सी जॉब। देखो मैं अपनी बात करूँ, मैं पहले टेलीफोन एक्सचेंज में था, टेलीफोन एक्सचेंज में रहते मैं कभी भी अपनी टेलीफोन एक्सचेंज अपनी नहीं लगा सकता था, मैं कभी भी उसका मालिक नहीं बन सकता था। इसका मतलब ये हो गया कि मैं सारी की सारी उम्र मेरे को वहाँ जॉब ही करनी पड़ेगी। टेलीफोन एक्सचेंज से बाद मैं बैंक में आया, मैं बैंक में आके अपना बैंक नहीं खोल सकता, मैं अपना बैंक नहीं खरीद सकता, तो फिर मेरे को इसका मतलब ये हो गया मेरे को सारी उम्र जॉब ही करनी पड़ेगी। जो आदमी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं वो पेट्रोल पंप पे सारी उम्र काम करते रहेंगे, क्योंकि सारे आदमी धीरू भाई अंबानी जी की तरह नहीं सोचते,
उनका जो सोचने का शीशा है या सोचने का जो एंगल है वो कम है, वो उस तरीके से नहीं सोचते जिस तरीके से धीरू भाई अंबानी जी ने सोचा और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हाँ, यदि जॉब करनी है, मैं अपने साथियों की बात करता हूँ, मेरे साथ के 20 आदमी ऐसे हैं जो रियल स्टेट में लोग काम कर रहे थे, उनके पास असिस्टेंट के तौर पर, ऑफिस असिस्टेंट के तौर पर आए। ऑफिस असिस्टेंट का क्या काम होता है, सुबह आके ऑफिस में झाड़ू लगाना, पानी भरना, आए गए को पानी पिलाना, चाय पिलानी, शाम को बर्तन जूठे बर्तन है वो धो के फिर जाना। ऐसा काम करते करते 10 आदमियों का मैं नाम ले सकता हूँ, जिसमें जसवंत सिंह है, आर के पॉल है, जगदीश है और तेजिंदर वालिया है, जो आदमी रियल स्टेट बिजनेस वालों के पास जिन्होंने नौकरी की और आज टॉप के ब्रोकर हैं, और इनमें तेजिंदर वालिया तो टॉप का बिल्डर है। मेरे पास जितने बंदों ने काम किया, सोनू काश्यप हो, सतविंदर धालीवाल हो, अपने देवकी नंदन हो या और भी बंदे हो, जितने बंदों ने मेरे पास काम किया, मैंने उनको ये प्रेफर किया कि मेरे पास काम करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी देर काम करना है कर लिया, अपना काम शुरू करो। और सतविंदर धालीवाल ने तो मल्टीपल जो अपने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बनाई है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। देवकी नंदन के पास बहुत ज़्यादा मतलब उसने काम किया है। सोनू काश्यप है, वो भी आज कॉलोनाइजर है, बिल्डर है। इस तरीके के बहुत मतलब मैं एग्जांपल्स हैं। यहीं पर मोहाली में राम कुमार एक आदमी है जो पुड्डा में काम करते थे, उनकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आई, उन्होंने यहाँ पर बैठ के रजिस्ट्रियाँ लिखनी शुरू की। रजिस्ट्रियाँ लिखते लिखते उनको काम चल गया, काम चलने के बाद उनके पास एम्प्लाई आते रहे उनके असिस्टेंट बन के, और जितने भी आए आज तक मेरा ख्याल राम कुमार कम से कम 20 आदमियों को एम्प्लॉई से एम्प्लॉयर बना चुका है। मतलब रजिस्ट्रियाँ लिखते आते थे, काम सीख के चलो अपनी दुकान खोल ली। स्कूटर मैकेनिक के पास आप काम कर रहे हो, स्कूटर मैकेनिक जब आप काम सीख जाओगे अपनी जब मर्जी दुकान खोल लो। कार मैकेनिक के पास जाओगे, कार मैकेनिक की दुकान जब मर्जी खोल लो। कंपनी में जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था पावर ऑफ बिजनेस में, कि दो दोस्त, एक ने कंपनी में नौकरी ज्वाइन की, दूसरे ने उसके सामने समोसे का ठेला लगाया, और समोसे का ठेला लगाते लगाते आदमी अपनी दुकान ले ली, बड़ा कारोबार हो गया उसका, मतलब उसके खाने वगैरह का काम हो गया, अच्छी आमदन हो गई, और वो आदमी जो शुरू किया था उसने वो सुपरवाइजर बन गया और मैनेजर बन गया, मैनेजर बना के टाई लगा के खड़ा हो गया जैसे मैं खड़ा हूँ आपके सामने। तो एक दिन चाय पे इकट्ठे होके बात करते हैं और जो मैनेजर है वहाँ पर वो कहता है कि यार तुम मेरी बात मान लेते, तुम भी नौकरी कर लेते, आज मेरी तरह मैनेजर होते। तो उसका जवाब क्या था, वो कहता है मैं आपकी तरह मैनेजर ज़रूर होता, लेकिन मैं यहाँ छोटे से ठेले से काम शुरू करके यहाँ तक अपना काम ले गया हूँ, तुम्हारे से ज़्यादा एसेट बन गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जिस दिन तुम रिटायर हो गए कंपनी में से, तुम अपने बेटे को अपनी जगह पे नौकरी नहीं दे सकते, जबकि मेरा ये रहेगा जब मैं अपनी सीट छोड़ूंगा तो मेरा बेटा मेरे वाली पोजीशन पर आके बैठेगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ, किसी भी स्टेट में बड़े से बड़ा अफसर, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो चाहे सिविल का अधिकारी हो, अपने बच्चों को अपने वाली सीट नहीं दे सकता, जबकि बिजनेसमैन अपने वाली सीट पर बिठा के जाता है। जैसे हम ग्रो करते हैं, बिजनेस में ग्रो करते हैं, तो बिजनेस में ग्रो करने के बाद हमारी जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, वो हमारे वाली पोजीशन पे ही आते हैं, जबकि एम्प्लाई आदमी अपने बच्चों को अपने जैसा नहीं बना सकता, अपने वाली सीट नहीं दे सकता। तो ये दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ बिजनेस। तो हमने ये बात का ध्यान रखना है। फिर बात यही आती है कि आपको जॉब करनी है तो फिर जॉब कैसी हो, जॉब कैसी हो, जैसे मैंने बताया कि रियल स्टेट वालों के पास बंदों ने काम किया और वो आदमी रियल स्टेट का काम करना शुरू कर दिया, इंडिपेंडेंट हो गए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। तेजिंदर वालिया ने बिल्डर के पास काम किया, आज वो टॉप का बिल्डर बन गया। अश्विनी बंसल सरहंद में बैठा है, मेरा दोस्त है, मेरा जानकार है, उसके पास मेरा ख्याल 20-25 आदमी जो रजिस्ट्री लिखने का काम करता है, उसने 20-25 चेले थे उसके, जो सभी को इंडिपेंडेंट काम खोल के दे दिया। तो वहाँ ऐसा काम करो जहाँ पर आपकी ग्रोथ हो, आप मालिक बन सको, एम्प्लाई से एम्प्लायर तक का सफ़र है जो वो तय कर सको।
नहीं तो फिर आप सारी उम्र एम्प्लॉई के एम्प्लॉई ही रहोगे। ये देखो ESBI रॉबर्ट टी कियोसाकी के मुताबिक भी चलें तो ESBI का एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई सबसे छोटा क्वाड्रेंट है और एम्प्लॉई एक ऐसी चीज़ है, ऐसा शख्स है, ऐसी एक पर्सनैलिटी है जो सारी उम्र पैसे के लिए काम करता है। और जो आदमी सारी उम्र पैसे के लिए काम करता है वो आदमी कभी भी अमीर नहीं हो सकता, कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकता। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपको जॉब के साथ साथ कुछ ना कुछ और करना पड़ेगा, यदि आपको जॉब करना आपकी मजबूरी है। मैंने बार बार मैं कहता हूँ मेरी किताब नॉट मैड सो बैड में फिर मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आदमी तीन तरीके की ज़िंदगी जीता है। नंबर वन लाइफ ऑफ सर्वाइवल, लाइफ ऑफ सक्सेस एंड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। लाइफ ऑफ सर्वाइवल में गुजारे हैं, सिर्फ गुजारा है, टाइम आपके पास हो सकता है, पैसा नहीं है। लाइफ ऑफ सक्सेस में आप पैसे कमा सकते हो, कोई डॉक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। मेरे दोस्त हैं टीटू जी, बहुत बड़े दुकानदार हैं, बहुत बड़ा कारोबार है उनका, और खाना खाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। कोई रिश्तेदारी में प्रॉब्लम आ जाए उनके पास जाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। तो लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस एक ऐसी लाइफ है जो हमें पैसा भी देती है और जिसमें हमारे पास टाइम भी रहता है। बिना पैसे के टाइम किसी काम का नहीं और बिना टाइम के पैसा किसी काम का नहीं। सो दोस्तों यदि आपने अपनी लाइफ सेट करनी है, अपने आप को बढ़िया बनाना है, यूथ को खास करके ये मेरा मैसेज है, ये मेरी अपील है, ये मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि यदि आपने काम करना है ऐसा काम कर लो जो इस रास्ते पे लेके जाए आपको। यदि आपको जॉब करनी भी है, यदि आपका जॉब के बिना गुजारा नहीं, यदि आपने सारी उम्र एम्प्लॉई रहना है फिर आप सरकारी नौकरी कर लो, क्योंकि आप कहीं DC ऑफिस में लगोगे तो DC कहीं भी लग जाओ आप, वो ऑफिस आप कभी भी खरीद नहीं सकोगे। ऐसी चीज़ पे जाओ, ऐसी जॉब करो, ऐसा जगह पे काम करो जो आदमी अपने कल को वो ऐसी चीज़ अपनी खड़ी कर सके, अपने मेहनत के साथ, अपनी दयानतदारी के साथ, अपनी जज्बे के साथ ऐसी वो सब मतलब सेटअप खड़ा कर सके। लोग डॉक्टरों के पास काम करते हैं, RMP डॉक्टर कितने बन जाते हैं वो, और बहुत अच्छी मतलब आमदन उनके पास हो जाती है, RMP का सर्टिफिकेट बनाया और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपने अपनी जॉब सेलेक्ट करनी है। दोस्तों मैसेज बहुत छोटा था लेकिन ये वीडियो लंबी हो गई है, आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें, यदि वीडियो अच्छी लगे इसके ऊपर चर्चा करना, इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रख देना, नए टॉपिक पर वीडियो हो तो भी आप लिख सकते हो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा देना ताकि ऐसा कोई काम का टॉपिक है आपसे निकल ना जाए। मेरा मकसद यही है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है, आप लोगों को जगाना। यदि आप लोग जाग जाते हो, आप लोग थिंकिंग करने लग जाते हो, चिंतन करने लग जाते हो, मंथन करने लग जाते हो, मत्था मारना शुरू कर देते हो, मत्था टेकना की कम कर देते हो, तो ये समझो कि राजवंश मोहाली की लाइफ बिल्कुल कामयाब होगी। मेरे लिए ये सबसे बड़े सौभाग्य की बात है यदि मेरे पीछे लग के कोई आदमी अपनी लाइफ को सेट कर लेगा। मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें, सीखते जाएँ, पढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।